शिवपुरी कलेक्टर की चौखट पर पहुंचा सहरिया कांति का सैलाब। बोले, हमारी सुनो कलेक्टर साहब, घरों में भर गया नाच बींज गौ, सरपंच सेक्रेटरी मांग कर रहे हैं रुपया। सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन के नेतृत्व में दिया सहरिया समाज ने ज्ञापन। कलेक्टर एसपी ने किया आश्वस्त, समस्याओं का जल्द होगा समाधान। आजादी के 70 साल बाद भी सहरिया समाज अभी भी विकास की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। उसे ग्रामीण इलाकों में पिछले दिनों आई बाढ़ में सहरिया समाज के लोगों की घरों में पानी भर गया, जिससे उनका अनाज खराब हो गया। वो अनाज के दाने दाने को मोहताज हैं। बाढ़ पीड़ितों का हवाई और कागजी सर्वे भरपूर चल रहा है, मगर आहतों को राहत अभी तक नहीं पहुंची। गांवों में कच्ची शराब बिक रही है, जिससे आदिवासी युवा गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर मौत का शिकार हो रहे हैं। गांवों में फाइनेंस कंपनियों के द्वारा आदिवासियों को ठगा जा रहा है। दबंगों के द्वारा नीमच में कन्हैया आदिवासी के साथ हुई बर्बरता जैसी घटनाएं शिवपुरी अंचल में भी पहले सामने आ चुकी हैं। वहीं इन्हीं सब समस्याओं को लेकर आज सहरिया क्रांति के सैकड़ों सदस्य सहरिया क्रांति संयोजक संजय बेचैन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। जब कलेक्टर नहीं मिले तो सहरिया क्रांति ने कलेक्ट्रेट के मैदान में ही डेरा जमा लिया, नारेबाजी करते हुए मांगों को पूरा करने की मांग की। ये प्रदर्शन पूरे 3 घंटे तक चला। इस मौके पर कलेक्टर एसपी पहुंचे, जिन्हें आदिवासियों की समस्त मांगों को गंभीरता से सुना और अधिकांश मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। देखिए क्या कहा सहरिया क्रांति के संयोजक संजय बेचैन ने। सहरिया क्रांति जिंदाबाद, 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 सहरिया क्रांति जिंदाबाद। बयान नहीं, अधिकार चाहिए। बयान नहीं, अधिकार चाहिए। बयान नहीं, अधिकार चाहिए। सहरिया क्रांति जिंदाबाद, सहरिया क्रांति जिंदाबाद, सहरिया क्रांति जिंदाबाद, सहरिया क्रांति जिंदाबाद, सहरिया क्रांति। देखिए, ये देश की सबसे पिछड़ी जनजातियों में से एक जनजाति है। इसकी हालात आप देखो, 31 तारीख से जो पानी बरसा, शिवपुरी जिले में भीषण बाढ़ आई 31 तारीख से, आज 31 जुलाई से आज 31 अगस्त हो गया, आज तक इन कई गांवों में ना तो सर्वेयर पहुंचे, ना ही इनका सर्वे हुआ। और जो बाढ़ के नाम पर राशन आया था 50-50 किलो, इनमें से किसी को भी नहीं मिला राशन। आज बाढ़ का कोई सर्वे जमीनी आधार पर नहीं हो रहा, उससे ये परेशान होकर ये मेरे घर पर दिन भर आदिवासी बहनें आके मुझे अपनी समस्याओं से अवगत कराती हैं। मैं जिला प्रशासन को कई बार बताया, लेकिन कई गांवों में आज तक राशन और सर्वे नहीं हुआ है।